हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल एंड माई सेल्फ हनी एंड फ्रेंड्स आज जो मैं आपसे फेशियल शेयर करने जा रही हूँ वो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो है फेशियल किट शहनाज हुसैन का तो ये काफ़ी ओल्ड एंड गोल्ड ब्रांड है और सबको ट्रस्ट होता है सहनाज हुसैन के फेशियल किट पे तो आज हम इससे फेशियल करने जा रहे हैं काफ़ी इजी प्रोसेस है इसमें जिसमें इसका फर्स्ट प्रोसेस है शाहलाइफ प्लस फेस एंड बॉडी स्क्रब सेकेंड है स्किन नरिशिंग क्रीम एंड थर्ड है रेजुविनेटिंग मास्क तो सबसे पहले फेस को क्लेंजर से क्लीन कर लें और हमें फर्स्ट प्रोसेस है जो स्क्रब है उसे पूरे फेस पे आपने अप्लाई कर लेना है और इस फेस स्क्रब को अप्लाई करने के बाद हमें अच्छे क्वांटिटी में वाटर लेना है और वाटर लेकर स्क्रब करना स्टार्ट करना है अपने टिप्स की हेल्प से पाम का यूज नहीं करना है और बहुत ही जेंटल होना चाहिए आपका स्क्रब तो यहाँ पे मेरी न्यू स्टूडेंट फेशियल कर रही है तो उन्हें मैं बताते जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है किस तरीके से आपको अपने हाथ को चलाना है तो आपको पता है ना कि बंदर के माथे पे हजामत बनानी होती है तो उसी तरीके से अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट को अपना देना पड़ता है आपको फेस अपने स्किन को देना पड़ता है कि वो भी अच्छे तरीके से सीख पाए देखो जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आप न्यू ही होते हो तो आपको इतना होना चाहिए कि कोई भी न्यू इंसान जब कुछ भी करता हो तो उसे अच्छे से नहीं आता पर वो धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है और बहुत ही अच्छा काम करने लगता है उसी तरीके से आपको जब भी आप काम करते हो तो हिम्मत मत हारा करो काम करते रहा करो एक दिन आपका काम बहुत अच्छा होगा और सब लोग उसे देखेंगे तो यहाँ पे बंदर मैं हूँ और मेरी हजामत नहीं हो रही है मेरे फेस की क्लीनिंग हो रही है मतलब फेशियल हो रहा है तो यहाँ पे साथ में स्टीम भी दिया जा रहा है कि मेरे जितने वाइट हेड और ब्लैक हेड हों वो ईजली निकल जाएं और जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे स्किन में डस्ट है पॉल्यूशन है वो भी ईजली बाहर निकल जाएं और हमारी फेस ऑक्सीडाइज हो और हमारे स्किन के पोर्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएं तो इसके लिए आप स्टीम जरूर लिया करो स्टीम लेते लेते जब आपके सारे वाइट हेड और ब्लैक हेड बहुत ईजली सारे निकल जाएंगे तो यहाँ ऐसा पिन होता है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में और आपको ऐसा पिन लेना है और सारे वाइट हेड और ब्लैक हेड को निकाल लेना है ज़्यादातर जो वाइट हेड और ब्लैक हेड है होते हैं वो हमारे नोज़ पे होते हैं हमारे चिन पे होते हैं तो नोज़ और चिन पे थोड़ा ज़्यादा स्क्रबिंग अच्छे से करना चाहिए और स्क्रबिंग करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसे पिन की हेल्प से और आज का स्क्रबर मशीन भी आ गया है जिससे बिल्कुल पेन नहीं होता है और ईज़ली निकल जाता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो या मेरे कोई चैनल पर जो मेरे वीडियोज़ हैं उसे आप चेक कर लेना उसमें मैंने दिखाया हुआ है तो यहाँ पर सेकेंड मैं स्टेप यूज़ करने जा रही हूँ जो है स्किन नरिशिंग क्रीम का तो इसे पूरे फेस पे और नेक पे आपने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है फिर अच्छे क्वांटिटी में आप टोनर ले सकते हो टोनर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है तो आप जो इसका टोनर दिया हुआ है वो भी ले सकते हो जो प्रोफेशनल पावर त, आ, स्किन टोनिक दिया हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हो और अगर ये यूज़ नहीं करना तो आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो तो इससे क्या होता है हैंड मूवमेंट इजी हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने फेस की मसाज कर सकते हो तो हमेशा चेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए मसाज करना चेस्ट से हमारे नेक पे आना चाहिए नेक से चिन पे चिन के बाद हमारे जो फेस होते हैं उस पर नोज पे फिर फोरहेड पे हमें लास्ट में जाना होता है जब भी हम फेशियल करते हैं तो और आपको कोई भी फेशियल स्टेप नहीं आता है तो आप बिल्कुल सर्कुलर मोशन यूज़ किया करो और अपलिफ्ट वाले जितने भी होते हैं ना फेशियल के स्ट्रॉक्स उसको यूज़ किया करो तो काफ़ी अच्छा आप रिज़ल्ट घर पर भी पा सकते हो तो 15 मिनट का हमें मसाज देना है कि अच्छे तरीके से जब तक क्रीम अच्छे से अपने फेस में एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक मसाज आपको करते रहना है मैंने कई सारे इक्विपमेंट से भी मसाज करके आपको दिखाया है तो आप मेरे कई सारे वीडियो चेक कर सकते हो घर पे भी आप कैसे फेशियल करोगे कौन कौन से इक्विपमेंट आप घर पर यूज़ कर सकते हो वो सब कुछ मैंने कई सारे वीडियो में दिया, दिया है तो आप एक बार जरूर चेक कर लें जब मसाज क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो उसे बिना हटाए आपको करना है मास्क अप्लाई इसमें हमको कोई भी मसाज क्रीम को नहीं हटाना है मतलब क्लीन नहीं करना है वाइप ऑफ नहीं करना है स्किन को और मास्क को अच्छे से अप्लाई कर लेना है उसके ऊपर ही तो मास्क को भी फेस और नेक पे आप अप्लाई कर लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा मास्क को अप्लाई किया करें और उसके बाद आपने छोड़ना है इसे टेन मिनट के लिए जो एट्टी परसेंट ड्राई हो जाए उसके बाद आप अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए वाइप ऑफ़ कर लीजिए एंड लास्ट स्टेप है यहाँ पे प्रोफेशनल पावर स्किन टॉनिक का तो इसे कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस पे आपने अप्लाई कर लेना है अपने नेक पे अप्लाई कर लेना है और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका क्योंकि फोर प्रोडक्ट है फोर ही से आपको करना है बट इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है बहुत ही इफेक्टिव आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर किया है आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो प्रोडक्ट्स तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना चैनल को करना सब्सक्राइब सोचल so देन बाय